कोरबा में प्रेमी को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग कर रही एक युवती को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। भया दोहन कर उसने पहले 3 लाख रुपए वसूल किए, फिर हर महीने 25,000 देने दबाव बनाने लगी। पीड़ित युवक ने इसकी शिकायत सिटी कोतवाली पुलिस को दी। तथ्यों के आधार पर पुलिस ने युवती को गिरफ्तार कर लिया। न्यू हाउसिंग बोर्ड खरमोरा निवासी प्रेमकांत साहू की करीब 1 साल पहले यहीं रहने वाली युवती की सहेली से जान पहचान हुई और प्रेम संबंध स्थापित हो गया। बाद में युवती ने उसे दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर भया दोहन करने लगी। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि युवती व युवक के प्रेम प्रसंग होने के बाद दोनों के बीच आपसी सहमति से शारीरिक संबंध भी स्थापित हो गया। इसके बाद युवती ने युवक को दुष्कर्म में फंसाने की धमकी दी। इससे बचने के लिए युवक ने नगद 1.5 लाख व गूगल पे के माध्यम से अलग अलग किश्तों में 1.5 लाख कुल 3 लाख रुपए दिए। इसके बाद युवती का लालच बढ़ गया और उसने डरा धमका कर ब्लैकमेल कर 25,000 रुपए प्रतिमाह मांगने लगी। साहू निवासी हाउसिंग बोर्ड खरमोरा के रहने वाले हैं। इनके द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया था उन्होंने आकर कि एक लड़की है जिनसे इनका प्रेम संबंध था। प्रेम संबंध के बाद आपसी सहमति से इनके संबंध रहे हैं। संबंध के बाद पे लड़की लगातार ब्लैकमेल करके इनसे पैसा लेती रही है। करीब 1.5 लाख रुपए के आसपास ऑनलाइन अकाउंट पे पैसा डाला है और 1.5 लाख रुपए कैश से ले चुकी है। बावजूद उसके लड़की लगातार इसको फंसा देने के नाम पर कि धारा 376 में फंसा दूंगी या खुद की जान लेकर तेरा नाम फंसा दूंगी ऐसा कर डरा कर उसको उसे लगातार पैसे ले रही थी और प्रतिमाह 25,000 रुपए की मांग कर रही थी, जिसमें कुछ माह से वो पैसा दे भी रहा था। अब जब तंग आ गया उसके पैसे खुद के सोर्स नहीं है देने के, तंग आकर उसके पास कोई चारा नहीं था तो वो आकर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज करने के उपरांत पे वरिष्ठ अधिकारियों को इस संबंध में चूंकि मामला संवेदनशील है अवगत कराकर उनसे दिशा निर्देश दिया गया। वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देशन पर इसमें धारा 384 388 IPC के तहत मुकदमा दर्ज कर मुकदमा की विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पे प्रार्थी का जो इल्जाम है आरोप है वो सही पाया गया। ऑडियो कुछ इसके संबंध में जब्त किए गए हैं लड़की और इसके बीच में, जिसमें लड़की लगातार एक्सटॉर्शन कर रही है लड़के से और पैसे की मांग कर रही है, गाली गलौज और बहुत अश्लील तरीके से बात कर रही है लड़की को, जिसका सीमा जो उसका बदला हुआ नाम है। लड़की को यहाँ कोरबा आई थी पैसा लेने, उसको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार कर धारा 384 388 IPC के तहत माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया। युवक वर्तमान में बेरोजगार है और पैसे की तंगी व मानसिक रूप से परेशान होकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी युवती को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही युवती के अन्य कॉन्टैक्ट्स भी खंगाल रही है। युवक ने पैसे के लिए ब्लैकमेलिंग से संबंधित वॉइस रिकॉर्ड भी पुलिस को उपलब्ध कराया है। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।